नमस्ते, मैं डॉक्टर यश वेदनकर। आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस फॉर हेल्थ, ये यूट्यूब चैनल। अपने ब्रेन में हैप्पीनेस के लिए चार हार्मोन्स होते हैं, उन्हें हैप्पी हार्मोन्स ऐसा कहते हैं। जब ये हार्मोन अपने ब्रेन में होते हैं उस समय अच्छा फील होता है। उनमें से तीन हार्मोन्स के बारे में अपने अलग वीडियो में जानकारी ली है। वो तीन हार्मोन है एंडोर्फिन, डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन। आज हम सेरोटोनिन के बारे में बात करेंगे। सेरोटोनिन अपने शरीर में इंटेस्टाइन्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें भी तैयार होता है, और सेरोटोनिन का रोशनी के साथ बहुत ही गहरा नाता है। तो जब अच्छी रोशनी होती है तो सेरोटोनिन तैयार होता है। ब्राइट लाइट में सेरोटोनिन पैदा होना, ये अपने उत्क्रांति में बहुत ही आवश्यक था। तो इसी कारण दिन भर जब अच्छी रोशनी रहती थी तो उस समय सेरोटोनिन लेवल अच्छा रहता था और अपने पुरखों को काम करने का उत्साह रहता था। जब रोशनी जब आहिस्ते आहिस्ते कम होती थी तो रात में सेरोटोनिन लेवल कम होता था, और सेरोटोनिन लेवल जब शाम को कम होने लगता था तो उस समय मन की बेचैनी होना स्वाभाविक था। अपने पुरखों ने ये जाना था। अब हम रात में भी ब्राइट लाइट में रहते हैं तो रात में भी सेरोटोनिन लेवल रहती है, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम है, अच्छी नींद आने के लिए सेरोटोनिन लेवल कम होनी चाहिए। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन ऐसे ये दो केमिकल एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन सेरोटोनिन कम होता है तो मेलाटोनिन बढ़ता है, और अपनी अच्छी नींद के लिए मेलाटोनिन की लेवल अच्छी होना ये आवश्यक है। तो हमेशा अगर हम ब्राइट लाइट में रहे तो अपनी नींद ठीक नहीं होगी, इसीलिए नींद के पहले 10-15 मिनट तक हमें डिम लाइट में रहना चाहिए। अब हमेशा ब्राइट लाइट में रहने के कारण सेरोटोनिन दिन में भी कम हो सकता है, और उसके कारण हमें अवसाद हो सकता है, क्योंकि सेरोटोनिन यह एक बायोलॉजिकल केमिकल है और उसकी लेवल हमेशा अधिक नहीं रह सकती, वो कम ज़्यादा होना यह नेचुरल है, स्वाभाविक है। हमेशा सेरोटोनिन अच्छी लेवल पे रहना चाहिए ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि समुंदर में हमेशा ज्वार नहीं होता, ज्वार भाटा आना ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। वैसे ही सेरोटोनिन कभी तो कम होना और उस समय अवसाद आना ये भी नेचुरल है, स्वाभाविक है। सो डोंट फील बैड अबाउट फीलिंग बैड। तो कभी ना कभी उदासी आना यह स्वाभाविक है, उसका स्वीकार करना चाहिए, लेकिन यह उदासी का काल अगर बढ़ता जाए और उसका असर अपने वर्तन पे होता है, अपने एजुकेशन पे, करियर पे होता है, तो हमें ये उदासी कम करनी चाहिए। और उदासी जब बीमारी होती है, क्लिनिकल डिप्रेशन ऐसी जब बीमारी होती है, तो वो बीमारी कम करने के लिए जो कुछ दवाएं मेडिसिन दी जाती है वो सेरोटोनिन बढ़ाने वाली मेडिसिन दी जाती है, उन्हें सेरोटोनिन री अपटेक इनहिबिटर ऐसा कहते हैं। लेकिन ये दवा लेने के बजाय अगर हम अपने मस्तिष्क के, अपने ब्रेन के स्वामी हो गए तो हम अपनी इच्छा से कोई एक्टिविटीज कर सकते हैं, और उसके कारण जो सेरोटोनिन अगर बहुत ही कम हुआ है तो वो बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी चार एक्टिविटीज देखेंगे कि जिसके कारण हम सेरोटोनिन की लेवल बढ़ा सकते हैं। उसमें से पहली एक्टिविटी खाने के बारे में है। सेरोटोनिन अपने पेट में जो कुछ न्यूरॉन्स यानी कि ब्रेन सेल्स होते हैं उनमें पैदा होता है, और वो पैदा होने के लिए अपने इंटेस्टाइन में, अंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो आवश्यक है। जब भी अच्छे बैक्टीरिया कम होते हैं तो सेरोटोनिन कम हो सकता है। तो कोई व्यक्ति हमेशा फास्ट फूड अधिक खाती है, फ्रूट्स नहीं खाती, सैलड नहीं खाती, तो ये अच्छे बैक्टीरिया कम हो सकते हैं और उसके कारण उदासी अवसाद आ सकता है। ये अच्छे बैक्टीरिया जिसमें है ऐसे दही, छाछ, लस्सी, ये अपने आहार में होना चाहिए। आयुर्वेद में ब्रेकफास्ट में जो कुछ दही खाने को बताया है उसकी एक वजह यह हो सकती है कि ब्रेकफास्ट में दही खाया तो सेरोटोनिन बढ़ जाएगा और हम दिन भर स्फूर्तिले और उत्साही होंगे। तो हम आहार में ऐसे जो कुछ नेचुरल फ्रूट्स है और जिसमें अच्छी बैक्टीरिया है ऐसे जे खाने चाहिए। दूसरा तरीका है, ऐसा हमने देखा कि ब्राइट लाइट सेरोटोनिन को पैदा करता है, तो
हर रोज धूप में कुछ समय बैठना चाहिए। धूप में हम बैठे तो सेरोटोनिन अच्छे लेवल पे आएगा। बारिश में या जब आसमान में बहुत बादल होते हैं उस समय कई लोगों का मूड ठीक नहीं रहता। अभी उसकी भी वजह यही है कि उस समय ब्राइट लाइट न होने के कारण सेरोटोनिन कम पैदा होता है और मूड अच्छा नहीं रहता। तो ऐसे समय हम की रोशनी बढ़ा सकते हैं। अब हम आर्टिफिशियल लाइट तैयार कर सकते हैं, तो ब्राइट लाइट में हम जब रहते हैं तो सेरोटोनिन लेवल बढ़ती है। तीसरा तरीका है, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, शारीरिक कसरत करते हैं, शरीर की हलचल करते हैं, तो भी सेरोटोनिन बढ़ता है, क्योंकि सेरोटोनिन और दूसरा जो एंडोर्फिन या एक हैप्पी हार्मोन है, ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए दिन में कुछ ना कुछ शारीरिक कसरत करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग ये भी करना चाहिए, इससे हम सेरोटोनिन लेवल बढ़ा सकते हैं। और चौथी एक्टिविटी है करुणा ध्यान, यानी कि अपने मन में कुछ समय तक जब हम संतोष, कृतज्ञता, करुणा ऐसी भावना धारण करते हैं, आई एम हैप्पी, मैं आनंदी हूँ, ऐसा विचार और उसके साथ वो भावना हम धारण करते हैं, तो उससे भी सेरोटोनिन बढ़ता है। मेडिटेशन पे जो रिसर्च हुआ है उससे अब ये मालूम हुआ है कि जैसा सेरोटोनिन कम हुआ तो अपना उत्साह, आनंद कम होता है। लेकिन अगर मैं जानबूझकर मेरे मन में संतोष की भावना कुछ समय तक धारण की, तो उसका असर सेरोटोनिन पे भी होता है, तो ये एक दूसरे पे असर करते हैं। सेरोटोनिन कम हुआ तो वो बढ़ाने के लिए सिर्फ दवा लेने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी भावना चेंज करके भी सेरोटोनिन कुछ समय तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो सेरोटोनिन कम होने की जो आदत है, उसकी जो वजह है, वो अपना निगेटिव बायस ब्रेन है। तो अपने ब्रेन में जो कुछ निगेटिव मेमोरी स्टोर होती है, उनके कारण अपने मन में जो कुछ विचार आते हैं, उनके कारण उसका असर सेरोटोनिन लेवल पे हो सकता है और हमें अवसाद आ सकता है। तो करुणा ध्यान के पहले साक्षी होकर मन में ये जो कुछ विचार आते हैं, जो कुछ भावना आती है, उन्हें साक्षी होकर देखना चाहिए, उनका स्वीकार करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, जिसे हम साक्षी ध्यान माइंडफुलनेस मेडिटेशन करते हैं, तो मन में जो कुछ गंदगी हमने स्टोर की होती है वो क्लीन होती है। अगर किसी घर में बदबू आती है तो वो बदबू कम करने के लिए गंदगी क्लीन करनी चाहिए, जो कुछ कूड़ा कट्ठा घर में होता है वो क्लीन करना चाहिए, और बाद में हम कर्पूर जला सकते हैं, रूम फ्रेशनर लगा सकते हैं। तो वैसे ही करुणा ध्यान सेरोटोनिन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायी है, लेकिन उसके पहले अगर साक्षी ध्यान की प्रैक्टिस की तो वो अधिक इफेक्टिव होगा। तो ये चार तरीके से हम अपनी सेरोटोनिन लेवल, अगर वो बार बार कम होती है, तो उसे मेंटेन कर सकते हैं।